नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी लैंड पर। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में और इनमें विशेष रूप से जानेंगे हम पुदुचेरी के बारे में, जो कि एक भारत की यूटी है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं, कुल 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश यानी जिन्हें यूटी भी बोलते हैं वो कितने हैं, 8 हैं। आपको जानना है कि केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या है, जहाँ पर सीधा सीधा केंद्र यानी कि केंद्र सरकार का विशेष रूप से इसमें हस्तक्षेप हो। तो भारत में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें सबसे पहले क्या है, नंबर 1 लद्दाख, जिसकी राजधानी क्या है, लेह। दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी राजधानी क्या है, शीत ऋतु में जो जम्मू, और ग्रीष्म ऋतुओं में इसकी राजधानी श्रीनगर हो जाती है दोस्तों। तीसरी जो यूटी है वो है चंडीगढ़, जिसकी राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़। ये आपको जानना है कि चंडीगढ़ खुद एक कैपिटल है किसकी, 2 राज्यों की यानी हरियाणा और पंजाब की भी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है दोस्तों, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। चौथा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, यानी कि दिल्ली की जो कैपिटल है वो क्या है, नई दिल्ली, जहाँ पर इस समय CM कौन है, अरविंद केजरीवाल जी हैं। पाँचवीं जो यूटी है वो है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। देखिए दोस्तों, दादरा और नगर हवेली जो पहले अलग अलग थे, अब एक ही हैं, यानी दादरा नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश थी और दमन दीव अलग था, तो अभी ये एक ही हैं और इनकी जो कैपिटल क्या है वो है दमन। नेक्स्ट है 6th अंडमान एंड निकोबार, जिसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। 7वीं जो यूटी है वो है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती। और 8वीं, जिसे हम विशेष रूप से डिस्कस करेंगे, पुदुचेरी यानी कि पुंडुचेरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुंडुचेरी, देखिए दोस्तों, इससे पहले कि आप इसके बारे में जानें कि ये किन किन राज्यों में फैली हुई है, इससे पहले इसका एक इतिहास पर चर्चा कर लेते हैं। पुदुचेरी नगर यानी जो पहले पुंडुचेरी भी कहलाता था, भारत में केंद्र शासित प्रदेश है यानी जिसकी राजधानी क्या है, पुंडुचेरी, खुद एक राजधानी है इसकी। पहले पुदुचेरी भारत में फ्रांसीसी यानी फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, एक मुख्य शहर था, पुंडुचेरी कहलाता था। सितंबर 2006 में पुंडुचेरी का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से पुदुचेरी कर दिया गया, जिसका स्थानीय तमिल भाषा में अर्थ क्या है, नया गांव। भारत का क्षेत्र, यह क्षेत्र लगभग 300 वर्षों तक फ्रांसीसी अधिकार में रहा और आज भी यहाँ फ्रांसीसी वस्तुशिल्प और संस्कृति देखने को मिल जाती है। पुराने समय में यह फ्रांस के साथ होने वाले व्यापार का मुख्य केंद्र था दोस्तों। आज अनेक पर्यटक इसके सुंदर समुद्र तटों और तत्कालिक सभ्यता की झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं, यानी कि यह बहुत सुंदर एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पर हम देखेंगे, आंध्र प्रदेश में, यमन, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के क्राइकल हिस्से में, और केरल में माहे। इन तीनों को ही मिलाकर क्या बोला जाता है, पुदुचेरी बोला जाता है। ये फ्रांसीसियों के केंद्र थे जहाँ पर वो अपना अधिकार जमाए हुए थे, जिनको बाद में एक ही पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है, जिस पर यानी कि इन तीनों जगहों पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा का पूरा पुदुचेरी संभालता है दोस्तों। तो ये 3 स्टेटों में फैला हुआ है, यानी कि आंध्र प्रदेश में, यमन, तमिलनाडु में क्राइकल और केरल में माहे। तो ये था पुदुचेरी के बारे में दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।